दोस्तों, मेरे फिर से एक वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बूम सिलेंडर की सील किट कैसे चेंज करते हैं। कमस्तु PC130 का बूम सिलेंडर सील किट कैसे चेंज करेंगे, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवा कुशवाहा और मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक मेरे चैनल मैकेनिक ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को अवश्य दबाएँ, जिससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था कि कमस्तु ग्रेडर का कैसे चेंज करते हैं और कंट्रोलर कैसे रिपेयर करते हैं, आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो पंप नोजल के बारे में बताऊंगा, लाइन पंप और टाइमिंग के बारे में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बूम सिलेंडर की सील किट कैसे चेंज करेंगे, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप। अगर दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं हमने एक सिलेंडर को उतार लिया है और उसके बाद दूसरे सिलेंडर को भी उतार लेंगे। उसके बाद में हम आपको सील चेंज करके दिखाएंगे कैसे सील चेंज करें। देख सकते हैं हमने दोनों सिलेंडरों को उतार लिया है। और चलिए, सबसे पहले हम उनके सभी राउंड के बोल्ट को लूज कर लेते हैं और फिर पिस्टन बाहर सिलेंडर बाहर निकाल लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, हमने दोनों सिलेंडरों को बाहर निकाल लिया है। और चलिए, हम सबसे पहले एक सिलेंडर के सभी बोल्टों को खोल लेते हैं और फिर सिलेंडर बाहर निकाल के दिखाएंगे कौन सी सील मेन ऑयल सील है और कौन सी डस्ट सील है, उसके बारे में सभी देख सकते हैं। हमने सभी बोल्टों को खोल लिया है और अब हम सिलेंडर को बाहर निकालेंगे और उसके बाद में हम उसको सील चेंज करके दिखाएंगे। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कमस्तु ग्रेडर का चैन और कंट्रोल वाल कैसे रिपेयर करते हैं, उसके बारे में बताया था। और मैंने आई बटन पर लिंक भी दिया हुआ है, अगर आप जाके दे सकते हैं। और अभी हम आपको बूम सिलेंडर कमस्तु 130 का सील चेंज करके दिखाते हैं कैसे चेंज करते हैं, और उसके बाद में स्टार्ट करके भी दिखाएंगे, चला के भी कि अपना जो सील चेंज किए हैं सही से काम कर रहा है या नहीं। देख सकते हैं हमने सिलेंडर को पूरा खोल लिया है, तो बाहर निकाल लेते हैं हल्का सा प्रेस करके, चोट मार के। फिर उसके बाद में सील चेंज करेंगे पिस्टन में और कपलिंग जो रहती है सिलेंडर में। देख सकते हैं हमने कपलिंग को बाहर निकाल लिया है। सबसे पहले हम कपलिंग में सील फिटिंग करेंगे और उसके बाद पिस्टन में डालेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, ये सिलेंडर का कपलिंग है जो कि बॉडी में टाइट होता है और इसी में बोल्ट होते हैं जिससे अपना सिलेंडर फंसता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये मेन ऑयल सील है, इसी से ऑयल अपना रुकता है। अगर ये दोस्तों ये लीकेज हो जाती है तो इससे अपना ऑयल बहुत ज़्यादा ही गिरता है, इसलिए हम सील को चेंज कर रहे हैं। देख सकते हैं हमने सिलेंडर की सील को फिटिंग कर रहे हैं एक एक करके, और फिटिंग होने के बाद हम पिस्टन में भी फिटिंग करके दिखाएंगे कि कैसे सील पिस्टन में फिटिंग होगा। और उसके बाद में फिर सिलेंडर चढ़ाएंगे और चालू करके देखेंगे, चेक करेंगे। देख सकते हैं हम सील को फिटिंग कर रहे हैं, हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं आप सील फिटिंग करने के लिए। देख सकते हैं दोस्तों, हमने सभी सील को एक एक करके फिटिंग कर देते हैं और उसके बाद में फिटिंग दूसरे सिलेंडर में उसी तरह सील फिटिंग करेंगे। वीडियो लंबा ना हो दोस्तों, इसके कारण हमने एक ही सिलेंडर का सील फिट करके दिखाया है और बताया भी है कि सील कैसे चेंज करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप। देख सकते हैं दोस्तों, हम सील को सही से फिटिंग कर रहे हैं जिससे ऑयल सील लीकेज ना हो। देख सकते हैं हमने मेन ऑयल सील को फिटिंग कर रहे हैं और उसके बाद में हम पिस्टन में सील को
फिटिंग करेंगे। इसमें दो सील लगती हैं और बाकी ओरिंग रहती हैं दोस्तों, और उन्हीं के सपोर्ट्स में कैप, जो मेन ऑयल चेन हमने पहले ही बता दिया है कैसे फिटिंग करना है, देख सकते हैं आप लोग, हमने मेन ऑयल सील को पहले ही फिटिंग कर दिया है, उसके बारे में भी बता दिए हैं आपको कि कैसे फिटिंग करना है मेन ऑयल सील को, और उसके बाहर की सील को भी फिटिंग कर देते हैं, और उसके बाद में हम पिस्टन में सील फिटिंग करेंगे। देख सकते हैं हमने सभी सीलों को कपलिंग में फिट कर दिया है, और उसके बाद में पिस्टन में सील फिट करेंगे। हल्का हल्का प्रेस कर देते हैं जो अपर वाली सील है, जिससे सही से फिट हो जाए। देख सकते हैं दोस्तों इसमें सही से सील फिटिंग हो चुकी है। एक बार हल्का सा और प्रेस करके देख लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों इसमें सील फिटिंग हो चुकी है, और हम पिस्टन में भी सील फिट करके दिखाएंगे कि पिस्टन में सील कैसे डालते हैं उसके बारे में भी। ये देख सकते हैं दोस्तों ये लॉक है जो सील को रोक के रखता है। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।